हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रू बैलेंस से एप्लीकेशन लोन लेने की सोच रहे हो या फिर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले आपको इस वीडियो को एक बार देख लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप ट्रू बैलेंस से लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें आपको दो तरीके के लोन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपको कौन कौन से दो तरीके के लोन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक तो कैश लोन देखने को मिलता है, एक इसमें आपको लीवल अप लोन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाला हूं कि कैश लोन में आपको कितना अमाउंट मिल सकता है, लीवल अप लोन में आपको कितना अमाउंट मिलेगा और आप लोन के कैसे अप्लाई करोगे, और मान लेते हैं अगर आपको लोन मिल जाता है तो उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर करोगे और आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है। आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना और ध्यान से समझना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो, और इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 मिनट का टाइम निकालकर वीडियो को पूरा देखना है, और जो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा उसी प्रोसेस से आपको लोन को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखो आपने डाउनलोड कर लिया, अब आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा इस तरीके से, तो सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे, अब देखो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर एक ही बार में डायरेक्टली ओपन हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन पहली बार डाउनलोड किए होंगे तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आया तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर OTP आएगा तो आपको OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपके सामने सेम टू सेम इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इस एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो उससे पहले इसकी आपको KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें आपको KYC करनी होगी, KYC करने के बाद ही आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो KYC करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को डाल देना है, पैन कार्ड की डिटेल्स को डाल देना है। उसके बाद 2 मिनट में आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको KYC कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद आपके सामने सेम टू सेम ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है कैश लोन का, देखा कैश लोन का ऑप्शन आ रहा है, ये आपको पहला लोन देखने को मिलता है जिसका नाम है कैश लोन, जिसमें अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 5,000 का लोन मिल सकता है, कम से कम आपको 5,000 का लोन मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,00,000 तक का लोन मिल सकता है, यानी 5,000 रुपये से लेकर आपको 1,00,000 तक का लोन मिल सकता है कैश लोन वाले ऑप्शन में। और अगर आप EMI की बात करें तो ये लोन आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने के दिया जाता है। आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक आप EMI बना सकते हो और आप इस लोन को आसानी से ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको एक दूसरा लोन देखने को मिलता है, जैसे अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लीवल अप लोन, इसका नाम है लीवल अप लोन, जिसमें आपको मिनिमम 1,000 रुपये मिल सकते हैं, मैक्सिमम आपको 15,000 मिल सकते हैं, 1,000 से लेकर आपको 15,000 तक का लोन दिया जाता है, इसका नाम है लीवल अप लोन, जो कि आपको ओनली KYC पर देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँ दोनों लोन को अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है, तो आपको जितने पैसों की जरूरत हो उस हिसाब से आप इस एप्लीकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस बार में अप्लाई करने वाला हूँ कैश लोन का ऑप्शन, मुझे कैश लोन अप्लाई करना है। आप चाहे कोई भी अप्लाई करो, प्रोसेस सेम होने वाला है। लोन अप्लाई करने के लिए आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान समझना है, आपको जो भी स्टेप बताऊँ सारे स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। अब जब भी आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, हाउ मच डू यू नीड, अभी पूछ रहा है आप कितने अमाउंट की आपको जरूरत है, आप कितने पैसे का लोन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि देखो मिनिमम आप 5,000 का लोन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आके आपको दिखाएगा मैक्सिमम 1,25,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी तरफ से यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम लोन अमाउंट अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली बार लोन अप्लाई करते हैं डायरेक्टली 50,000 का लोन अप्लाई कर देते हैं, तो उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम अमाउंट का लोन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस ग्राफ को कम ज्यादा करके लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना, आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो। फिलहाल मैं इसको ग्राफ को सेलेक्ट कर देता हूं, मैं यहाँ पर 30,000 रुपये का लोन अप्लाई करना, मुझे 30,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है, तो मैं 30,000 का लोन यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूं। मैंने 30,000 अमाउंट को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आप लोन अमाउंट सेलेक्ट कर दोगे पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप आपके सामने आप EMI कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे कि देखो आप 3 महीने की EMI बना सकते हो, 6 महीने की EMI बना सकते हो, और 12 मंथ की EMI बना सकते हो, आपकी इच्छा है। आप EMI बनाना चाहते हो, जैसे कि मुझे फिलहाल 12 EMI बनानी है, तो मैंने इसको 12 मंथ पर सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे नीचे क्लियरली दिखा देगा, जैसे कि देखो अगर मैं 30,000 रुपये का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए, तो मेरे पर मंथ की EMI बनने वाले 3,122 रुपये की। यहाँ पर सारी चीज़ नीचे क्लियरली दिखा देगा, आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट 2.4% लगने वाले, सारी चीज़ इसमें क्लियरली दिखा दी है। अब आपको लोन को अप्लाई करना, आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ही आपसे पूछेगा व्हाट द लोन पर्पज, अब पूछ रहा आप लोन किस लिए लेना चाहते हो, आपके लोन लेने का पर्पज क्या है। जैसे कि देखो हर एक का पर्पज अलग अलग होता है, आपको जो भी इमरजेंसी हो उस हिसाब से आप इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको इमरजेंसी है। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया।
अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अभी पूछ रहा है अगर आप शादी शुदा है तो आप मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको अपने हिसाब से अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है। मैं फिलहाल सिंगल हूँ तो मैंने सिंगल को सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने ये पेज आएगा, हार्ट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन। अभी पूछ रहा है आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। अगर आप टेंथ में पढ़ते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, टेंथ पास कर ली, ट्वेल्थ में पढ़ते हो, वर्चुअल मास्टर, आपकी जो भी एजुकेशन है उसमें से आपको इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप। अब मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ पर आपसे पूछेगा अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहते हो वो घर अगर आपने खुद अपने पैसों से अपना अलग घर बनवाया है तो आप सेल्फ ओनेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे फर्स्ट वाला। अगर आप किराए पर रहते हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सेकंड नंबर का। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे पेरेंटल वाला। और अगर आप किसी की रिश्तेदारी में रहते हो, किसी रिलेशन में रहते हो तो आप रिलेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। चारों ऑप्शन अलग अलग है तो आपको अपने हिसाब से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, डू यू हैव ए जॉब। क्या अभी के टाइम पर आपके पास जॉब है, जैसे अभी के टाइम पर आप क्या करते हैं, सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है। अभी के टाइम पर आप जो भी अपने हिसाब से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा, व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। जैसे अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय, फ्रीलांसर हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। मैं फिलहाल रेगुलर एम्प्लॉय, तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, देख सकते हैं हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग। अभी पूछ रहा है आप जो भी काम करते हो वो आप कितने सालों से कर रहे हो, एक साल से, दो साल से, तीन साल से, अपने आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके का होम पेज आएगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा व्हाट्स द नेम ऑफ कंपनी ऑफ सोप। जैसे देखो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का यहाँ पे आपको नेम डाल देना है, या फिर आप किसी दुकान पर काम करते हो तो उस दुकान पर आपको नाम डाल देना है, या फिर अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो उसका भी आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। यहाँ पर आपको नाम डालना है आपका कैसा काम है, आप कहाँ पर काम करते हो। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि कोई काम तो करते नहीं, जैसे अपने घर का ही खेती बाड़ी वगैरह, आप अपने घर का ही काम करते हो, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता हूँ तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, इस तरीके से आप अपना भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं अपना यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, जिस तरीके से आपको अपना नाम डाल देना है, नाम डाल गया। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब पूछेगा इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क। आप जो काम करते हो आप किस फील्ड में करते हो, किस क्षेत्र में आप काम करते हो, कैसा काम है आपको, अपने हिसाब से यहाँ पर आपको अपना फील्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा आप जो जिस फील्ड में भी जॉब करते हो उसमें आपकी पोस्ट क्या है, जैसे वर्कर हो, सेल्समैन हो, मैनेजर हो, बॉस हो, जो भी आपकी पोस्ट है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया अपने हिसाब से। उसके बाद आपके सामने आएगा हाउ मच इन योर एवरेज मंथली इनकम। आप पर मंथ कितना पैसा कमाते हो, आपकी एवरेज इनकम क्या है, जो भी आपकी मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी यहाँ पर आपको डाल देनी, जो भी आपकी मंथली सैलरी आप जितना पैसा कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 15,000 डाल देता हूँ, इस तरीके से आपको अपनी मंथली सैलरी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद नीचे बॉक्स वाला इस बॉक्स को टिक कर देना, मैंने टिक कर दिया। अब आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब पूछेगा आपकी सैलरी आपको किस डेट को मिलती है। कैलेंडर में जितनी डेट होती है सारी डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जिस भी डेट को आपको सैलरी रिसीव होती है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा हाउ मच इन योर रिसीव योर इनकम, आपकी सैलरी आपको कैसे मिलती है, बैंक अकाउंट में मिलती है, चेक मिलता है, कैश मिलता है। आपकी सैलरी आपको जैसे ही मिलती है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा विच लैंग्वेज डू यू परफेक्ट, आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा परफेक्ट है। इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु, कनाडा, बहुत सारी लैंग्वेज है। जिस लैंग्वेज में आप लोन अप्लाई करना चाहते हो उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने फाइनल पेज आएगा, यहाँ पे पूछेगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर। अगर आपको पहले का भी लोन मिल चुका है तो आप यस रखेंगे, अगर आपको आज तक किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला तो आप नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे। मैंने फिलहाल इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आया वेरीफाई योर जीमेल, तो आपको अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है, यहाँ पर एक जीमेल आईडी को दे देना है। तो दोस्तों मैंने अपनी एक जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर दिया, मेरी जीमेल आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। और देखो अपनी लोन की एप्लीकेशन 99% कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल पेज पर आ चुकी हो। अब आपको क्या करना है, देखो जो भी आपने अभी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया आपका पूरे कंप्लीट फॉर्म बन चुका है। अब आपको लोन को अप्लाई करना है, तो सिंपली आपके सामने नीचे फाइनल ऑप्शन आ गया, ये वाला एलिवेट माय लोन, ये ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लोन अप्लाई कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपकी सारी डिटेल्स अंडर रिव्यू में चली जाएंगी। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का आपको वेट कर लेना है, आपकी सारी डिटेल्स को चेक किया जाएगा, आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। उसके हिसाब से आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना लोन अमाउंट आपको होम पेज पर शो करके दिखा देगा। और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। सो दोस्तों अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लोन दिलाने पूरी पूरी हेल्प करूंगा। सो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।